हेलो एवरीवन, माइसेल्फ डॉक्टर एम अंसारी, वेलकम बैक टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल वक्त एकेडमी। क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज में आपका स्वागत है। मिलते हैं, देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या होगा। तो चलिए, क्वेश्चन ऑफ द डे में चैप्टर हमारा होगा अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स। और इसमें हमारे पास क्वेश्चन है आज, एन अननोन अल्कोहल इज ट्रीटेड विद द ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट आप लोग सभी जानते हैं, कंसंट्रेट HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 को ल्यूकास रिएजेंट बोला जाता है, टू डिटरमाइन whether the alcohol is primary, secondary or tertiary। चलिए मान लिया कि एक अननोन अल्कोहल है, वो प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, टर्शियरी हो सकता है। Which alcohol reacts fastest and why, what mechanism? तो ऑप्शंस हमारे पास है कि टर्शियरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और प्राइमरी अल्कोहल, यही ऑप्शंस। प्राइमरी तो लिया गया है इसमें, टर्शियरी और सेकेंडरी, बाय मैकेनिज्म, कौन सी मैकेनिज्म, SN1 और SN2। तो बेटा देखो, ल्यूकास रिएजेंट के साथ में जो रिएक्शन होती है वो होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी होती है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और आपको पता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो तरीके की, SN1 और SN2 होती है। और SN1 रिएक्शंस के लिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगर हो रहा है तो वहां पर रिएक्टिविटी का ऑर्डर जो होता है क्या होता है, टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी होता है ना। और जो हमारी SN2 रिएक्शंस होती हैं, जो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करती हैं, उनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी होता है। तो यहां पर हमारा जो टर्शियरी अल्कोहल होता है वो ल्यूकास रिएजेंट के साथ में जल्दी रिएक्शन करता है, ठीक है ना, जल्दी रिएक्शन करता है। और वो किस मैकेनिज्म से करेगा, SN1 मैकेनिज्म से करेगा। तो देखो सेकेंडरी अल्कोहल वाले तो ऑप्शन हमारे ये दोनों हट गए, टर्शियरी अल्कोहल में SN1 मैकेनिज्म, मतलब ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही ऑप्शन होगा। तो इसका सही आंसर होगा क्या, SN1 मैकेनिज्म। और टर्शियरी अल्कोहल जो होगा वो बहुत तेजी से ल्यूकास रिएजेंट के साथ में रिएक्शन करेगा, है ना। और रिएक्शन करने पर जो अल्कोहल्स होते हैं वो टर्बिडिटी देते हैं, टर्शियरी अल्कोहल जो होता है वो रिएक्शन करके क्या करता है, एट वंस इमीडिएटली तुरंत क्या करता है, टर्बिडिटी देता है और अल्कोहल हाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है ना। जो सेकेंडरी अल्कोहल होता है वो विद इन 5 मिनट आपको टर्बिडिटी प्रोड्यूस करता है, जो प्राइमरी अल्कोहल होता है वो आपको रूम टेम्परेचर पर टर्बिडिटी प्रोवाइड नहीं करता है। तो सबसे तेजी से रिएक्शन टर्शियरी अल्कोहल लेगी, और टर्शियरी अल्कोहल रिएक्शन अगर करेगा तो SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, क्योंकि SN1 रिएक्शंस जो होती हैं वो टर्शियरी, सेकेंडरी और प्राइमरी को फॉलो करती हैं। मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन के पीछे के कॉन्सेप्ट को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए।